अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फन एंड फूड टीवी चैनल। वेलकम करता हूँ सब लोगों को आज के इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये फसल, टिंडे की ये फसल जो बेर में लगती है, ये कितनी बार लगाई जा सकती है। फ्रेंड, इस फसल को हम 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कैसे, एक मैंने वीडियो पहले बनाई थी, शायद फन इन्फो टीवी पे मैंने नहीं उतारी, वो चढ़ाई थी मैंने हीरो टीकॉन चैनल पे, वो मेरा अपना चैनल है। तो इस फसल को हम 3 बार काश्त कर सकते हैं। इस सब्ज़ी को मसलन शुरू में 2 माह पहले या 3 माह पहले इसको हमने बीजा था, वो मैंने उसकी वीडियो भी बनाई थी उस पर। अब वो फसल जो वो बीजी थी, वो काश्त की थी, वो तो तकरीबन अभी ख़त्म हो गई है, उसका एंड चल रहा है, अभी ये स्टार्ट हो रही है माशाल्लाह। तो ये इसका वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोग इसको काश्त कर सकते हैं अपने घरों में भी आराम के साथ। ये ऐसी फसल है, इसको अगर आप अपने घर में किसी गमले वगैरह में या छत पे या किसी गैलरी में कहीं भी इसको बेच देंगे, काश्त कर देंगे, ये आराम के साथ काश्त हो जाती है। तो मैं थोड़ी इसकी सेटिंग कर रहा हूँ, ये नीचे पड़ी है खाले में, तो इसमें जब पानी आएगा तो इसमें जो फल लगेंगे वो गल जाएंगे, ग्रो नहीं करेंगे, अच्छे से नहीं बनेंगे। तो इसको हम पहले भी बहुत सारे ऊपर किए हैं, इसको भी हम कोशिश कर रहे हैं कि नीचे कोई ना पड़ी हो। ये थोड़ी बड़ी होगी फिर हम इसको ऊपर लगाएंगे। बहुत ज़्यादा फरमाइश के साथ भाई इरफान ने बहुत ज़्यादा फरमाइश की कि वीडियो चाहिए, वो भी सब्ज़ी पे। तो इसी साल मैंने सब्ज़ी लगाने शुरू की हैं, पहले भी लगाते थे लेकिन कम लगाते थे, इस बार हमने माशाल्लाह अच्छी खासी लगाई है। उसी से मुझे बेनिफिट मिला, थोड़ी सी है मतलब बिल्कुल थोड़ी सी लगी है, अपने घर के लिए सब्ज़ी भी लगाई, इस्तेमाल की। और ये मैंने मकई लगाई है, मकई के ये चुंगों के हिसाब से लगाई हमने, एक दो दो अपने हाथ से बीजी इसको। ये दूसरी फसल, ये तीसरी फसल, ये भी टिंडों ही है, ये भी टिंडे भी हैं लगे हुए हैं, ये भी जब ये ख़त्म होंगे फिर ये लग जाएगा, फिर ये स्टार्ट करेगा, ये फलना शुरू हो जाएगा बाद में। मेरा भी ये कहने का मकसद है, अगर आप लोग अपनी घर के हिसाब पे सब्ज़ी लगाना शुरू करेंगे तो आपको बाहर की सब्ज़ी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। तो मैं इसको बाहर ऊपर ज़मीन पर रखने की कोशिश कर रहा हूँ कि पानी आने के बाद इसमें जो फल लगेगा वो गलेगा नहीं। पहले भी की हुई है, जो बाद में बैल निकल रही है वो बड़ी हो गई, तो इसको दोबारा ऊपर कर रहा हूँ ताकि जो भी फल लगे, सब्ज़ी निकले, वो पानी में होगी तो बेकार हो जाएगी, किसी काम की नहीं रहेगी, गल जाएगी वहीं पे। तो मैं इसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह पाक मेहनत का सिला हर किसी को देता है। आप भी अपनी सब्ज़ियाँ लगाएं। और ये लगाई हुई है भिंडी, बाहर की साइड भी भिंडी लगी है, ये भी इंशाल्लाह कुछ अरसे तक फलना शुरू हो जाएगी। इसी से हमने एक भी अभी तक फल नहीं तोड़ा, सब्ज़ी नहीं निकाली अभी तक, ये हो रहे हैं तकरीबन एक हफ्ते तक इंशाल्लाह ये बड़े हो जाएंगे और इससे हम अपना फ़ायदा हासिल करेंगे, जिस फ़ायदे के लिए हमने इसको बीजा हुआ है। इसके पत्ते भी रख दिए हमने, ये आगे ये चीज़ आगे पकड़ करेगी, खुद ब खुद नीचे नहीं आएगी, वहीं पे पक्की हो जाएगी, जैसे कि ये पहले ही पड़ी हुई है, ये किसी पत्ते पे पहले पड़ी हुई है, अब ये सीधी जा रही है नीचे नहीं आएगी। अब इसी वजह से हम इसको ऊपर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है,
अगर आप लोगों ने फन एंड फिट टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जल्दी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप लोगों को लाइक करने का कोई खर्चा नहीं आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और इस खुशी में मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर करना। उसका लिंक मैं सिफारिश करके उसका लिंक मैं अपने भाई को कहूँगा कि इसके डिस्क्रिप्शन में दे देगा। चार कनाल में भेजी हुई है ये सब्ज़ी। इसमें मकई भी है, टिंडे भी हैं। ये सेकंड टिंडे हैं। फर्स्ट टिंडे मैंने आप लोगों को फन एंड फिट टीवी को भी दिए थे मेरे ख्याल में, पता नहीं दिए उसकी वीडियो बना के। अगर फन एंड फिट टीवी के पास नहीं है तो मेरे पास ज़रूर होगी हीरो टीवी वन चैनल में। तो आप उस चैनल का विज़िट करके उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और गांव की ज़िंदगी को एंजॉय भी कर लेना। ये साइड पे आगे काटन भी हुई है कपास। कोशिश करेंगे हम सब सारी बैलों को बाहर निकालेंगे। फ्रेंड्स, अपनी सब्ज़ी खाने का मज़ा ही कुछ और है। हमने अपनी ज़मीन है माशाल्लाह, ख़ास हम बड़े ज़िम्मेदार तो नहीं हैं, हम छोटे ज़िम्मेदार हैं, लेकिन सब्ज़ी अपनी ही बीजते हैं माशाल्लाह सिर्फ अपने खाने के लिए। अब की बार फर्स्ट टाइम इतनी ज़्यादा सब्ज़ी बीजी है कि इसका एक्स्ट्रा हिस्सा हम बाज़ार में जाके बेच देते हैं। जो पहले बीजी थी वो बिल्कुल थोड़ी थी, उससे बेनिफिट कम मिला, लेकिन अच्छी खासी बचत भी हुई और अपने घर के लिए भी इस्तेमाल की, अपने रिश्तेदारों को भी दी कुछ ना कुछ। तो वीडियो बनाने का मकसद ये है आप इस फसल का अच्छा खासा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। आपकी गैलरी में वैसे तो लगे होते हैं पौधे वगैरह, तो आप इसको भी बेच सकते हैं, इसको बेच के आप अपना फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे पौधे लगे होते हैं और आप लोगों के पास इस फसल का, इस सब्ज़ी का फ़ायदा ज़रूर हासिल करना है, क्योंकि ये बहुत ही कमाल की सब्ज़ी है। हम इस्तेमाल करते हैं, जब पहले बाज़ार की इस्तेमाल करते थे वो बिल्कुल सही नहीं होती, बिल्कुल खाने के लायक नहीं होती। तो ये माशाल्लाह इसको खाने के लिए ना आप टमाटर डाल सकते हैं, ना इसमें प्याज डाल सकते हैं। मसलन आपके पास आप इसको बग़ैर मसाला वगैरह के इस्तेमाल कर सकते हैं। माशाल्लाह बहुत इसमें टेस्टी बन जाता है। हर सब्ज़ी टेस्टी होती है जो अपने हाथ से लगाई होती है। बहुत ज़्यादा फरमाइश के साथ ये वीडियो बनी है। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट में अपना इजहार ज़रूर करना और मेरे चैनल पर विज़िट ज़रूर करना। थैंक यू। ऐसी और भी वीडियो आप लोगों को चाहिए हो तो इसके कमेंट में भी बता देना और मेरे चैनल पे आके वहाँ भी आप बता देना, मैं आप लोगों को जवाब ज़रूर दूंगा। इस पर भी आना, इस वीडियो के कमेंट में भी आना। वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, वीडियो का इख्तिताम करता हूँ। जितनी लंबी वीडियो बनाऊँ उतनी छोटी है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताना। ऐसे और भी वीडियोस बना के मैं फन एंड फिट टीवी को दूँगा, अपलोड करेगा। मिलते हैं अगली वीडियो तक के लिए, अल्लाह हाफिज़।